अबे क्या सीन था यार, उस दिन बाल बाल बच गए कसम से यार। सही बात है, आ गया हमारा दोस्त। अरे दादा लोग कैसे हैं घर? और चीते कैसे है? और शहजादा कैसे है, मजे में? सब सेट है। अच्छा खाना ऑर्डर कर दिया क्या? नहीं यार, तेरा ही वेट कर रहे थे। भाई मेरा तो बारबेक्यू का मूड हो रहा है, ऑर्डर कर दो यार। सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरा तो फिश खाने का मूड है। भाई हम दोनों से भी कोई पूछते हो, हमारी भी राय ले लो। अबे तुझे जो खाना है मंगवा ले, जो मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा मैं भी वो खा लूंगा। ये हुई ना बादशाह वाली बात। हमारा दोस्त है ही बादशाह यार। अबे हमारा बाबर तो दिल का भी बादशाह है। हाँ अबे वैसे यार तुम लोगों की बातें ना मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। मेरा कोई भाई बहन तो है ही नहीं, तुम मेरी फैमिली से बढ़कर हो यार। यार हम लोग तुझे अपनी फैमिली से बढ़कर ही समझते हैं बादशाह। तुम लोग इतना बादशाह बादशाह करते हो, मुझे तो लग रहा है मैं अपना असली नाम बाबर भूल ही जाऊंगा। भाई पर क्या है, बे से बाबर बे से बादशाह यार। ये बात है यार। अरे मेरी तारीफें बाद में कर लेना, चलो खाना ऑर्डर करते हैं ना। हाँ, सही है। हाँ। जा यार खाना ऑर्डर कर। मैं ऑर्डर कर गया। अरे अम्मी आए। बैठे क्या हुआ, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा रात को आधी आधी रात तक बाहर हो और मां सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, अब आप मेरी इतनी फिक्र नहीं किया करें। औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा छोटी रहती है। अब बेटा थोड़ा घर पर भी तवज्जो दिया करो, मैं बीमार रहती हूँ और तुम सुबह के गए रात को देर से घर आते हो। घर की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। अब तुम शादी कर लो ताकि घर में बहू आ जाए और मैं भी मरने से पहले अपने पोता पोतियों को गोद में खिला लूं। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, मरे आपके दुश्मन? देखो बेटा हर वक्त के दोस्त अच्छे नहीं होते, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे अम्मी आपको इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? देखो बेटा तुम्हारी अच्छी जॉब लग गई है और अब शादी में देर करना अच्छी बात नहीं है, तुम शादी करो अपना घर बसाओ। चलें जैसे आपकी मर्जी। जीता है मेरा बच्चा। अब तो खुश है ना आप? हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ बेटा, सुबह रिश्ते वाले सुरैया को फोन करती हूँ तो अच्छा रिश्ता दिखाएं। मम्मी वो कुछ पैसे मैंने आपके पास रखवाए थे, वो मुझे चाहिए होंगे प्लीज। क्यों बेटा क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? अम्मी वो नौमान को कारोबार के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसने मुझे बोला था तो उसको देने। बेटा कब तक यूं अपने दोस्तों पर पैसे लुटाते रहोगे, कुछ तो अकल करो। अरे अम्मी आप तो जानती हैं वो मेरे लिए फैमिली की तरह है। भूल है तुम्हारी कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी फैमिली की तरह है, ये जो तुम्हें हर वक्त बादशाह बादशाह कहकर चढ़ाते रहते हैं ना, तुम्हें नजर नहीं आता वो तुम्हारे मुखलिस नहीं है। अम्मी आप खामखा मेरे मुखलिस दोस्तों पर शक करती रहती हैं। नौमान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं, तो इसलिए मुझे पैसे चाहिए आप दे दें प्लीज मैं उसको। बेटा ना जाने तुम्हें कब समझ आएगी, तुम्हें नहीं पता कि दोस्त जब तुम पर बुरा वक्त आएगा ना तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। लाती हूँ पैसे। थैंक यू अम्मी। आपका जैसे ही फोन आया बाजी मैं भागी भागी चली आई। अरे तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं बाबर की शादी करना चाहती हूँ, सारा दिन घर से बाहर रहता है और लावाली तबीयत है उसकी, मैंने सोचा शादी हो जाएगी तो कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बाजी कि उसकी शादी कर दे, बीवी आएगी तो पैरों में खुद ब खुद बिल्लियाँ पड़ जाएंगी। कुछ दिखाओ कि लड़कियों की तस्वीरें। हाँ, तस्वीरें तो मैं लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें। कैसी आड़ी तड़ी तस्वीरें दिखा रही हो, तुम्हें पता है बाबर मेरा इकलौता बेटा है और मैंने और बाबर के अब्बा ने उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला है और उसके बाप के मरने के बाद मैंने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वैसे एक लड़की है तो सही मेरी नजर में, पर क्या भाई, लोग तो बहुत अच्छे शरीफ भी है लेकिन गरीब है। बाप का इंतकाल हो गया है, भाई कोई है नहीं, सिर्फ तीन बहनें हैं। आपके यहाँ तो मैं दिखाऊं? अच्छा
अरे गरीब है तो क्या हुआ, दिखाओ तो सीरियस की। बात बढ़ाओ इनसे, प्यारी लड़की है। चले बात तो मैं इनसे करती हूँ, लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता दूँ, जहेज की कोई आस मत रखिएगा, लोग बेचारे जरा गरीब हैं। अरे गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम दबकर तो रहेगी, किसी अमीर को लेकर आऊँगी तो वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देगी। कह तो आप ठीक रहेंगे, मैं इन लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ भाई अब बोल, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो मुझे ऑफिस मिलने आ गया तू? यार मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। यार तुझे तो पता है नेक्स्ट मंथ तेरी भाभी की डिलीवरी है, डॉक्टर ने उसे सीजर का कहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, यार मुझे कुछ पैसे उधार देते हैं। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे, बस इतना छोटा सा काम हो जाएगा यार तेरा काम, अकाउंट नंबर बताना मुझे बस। यार बादशाह है तो बादशाह। अच्छा छोड़, ये बता चाय पिएगा या कॉफ़ी? यार टेंशन के मारे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, खाना खिला दे यार। अबे टेंशन का है कि तेरा भाई है ना, अभी खिलाता हूँ तुझे खाना। यार एक और बात मैं तुझसे करना चाहता हूँ, यार ये नोमान और कमाल को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने तुझसे पैसे लिए। तेरी मेरी बात है यार, उन्हें क्यों बताऊँगा मैं? यार मैं तुझे लौटा दूंगा, पक्का लौटा दूंगा मैं तुझे। मैंने तुझे बोला है भाई जब तेरे पास हो ना लौटा देना मुझे, ठीक है? अच्छा अकाउंट नंबर बता जल्दी से मुझे। 104। कैसी लगी तस्वीर? हाँ अच्छी है अम्मी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे। वो क्या? अम्मी खानदान में, जानने वालों में, मोहल्ले में लड़कियां भरी पड़ी हैं, उन सब में से आपने किसी का इंतखाब क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह है? अरे पगले, हर लड़की बहू बनाने के काबिल थोड़ी होती है, और वैसे भी जैसे तुम्हारी तबीयत है, नाजों में पले हो और शहजादा तबीयत रखते हो, अब तुम्हारे लिए तो लड़की वो चाहिए थी जो तुम्हारे नखरे उठाए, ना कि तुम उसके नखरे उठाओ, बस वो मुझे मिल गई। पर अम्मी इसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अगर तस्वीर खिंचवाते हुए थोड़ा सा हंस लेती तो और ज्यादा अच्छी लगती। अरे बेटा तुम तस्वीर पर ना जाओ, रियल में देखोगे ना बहुत खूबसूरत है। अच्छा भाई अम्मी जान, ऐसे कौन से गम मिल गए इसको? अरे बेटा तीन बहनें, बाप का साया नहीं है सर पर, भाई अल्लाह ने दिया नहीं, निधा और उसकी छोटी बहन घर में सिलाई का काम करती हैं, जबकि एक बहन स्कूल में पढ़ाने जाती है। तो गोया अच्छा जहेज मिलने की उम्मीद न रखी जाए। हाँ जहेज तो वो लोग नहीं दे सकते बेटा, अगले इतवार को हमें बुलाया है चाय पर, और तुम अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम नहीं रखना, ऑफिस से सीधा घर आ जाना, फिर चलेंगे। ठीक है अम्मी, वैसे है बहुत अच्छी, मेरी ढूंढ के लाइए आप। अबे यार ये वकास और कमाल कहाँ रह गए यार? वकास की बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी आजकल वो बीबी की गुलामी में लगा हुआ है। वैसे बादशाह अभी तो तेरी भी शादी होने वाली है, तू बीवी का गुलाम मत बन जाइयो यार। अबे नहीं भे, मैं वकास जैसा थोड़ी हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा बादशाह। अबे तुम देख लेना, शादी के बाद ऐसे ही टाइम दूंगा तुम लोगों को मैं। वैसे यार तेरी अम्मी बहुत अच्छी खातून है, वरना आजकल के दौर में लोग अमीर और ज्यादा जहेज लाने वाली लड़कियां ही तलाश करते हैं, और वो भी तुझ जैसे अमीर, खूबसूरत और इकलौते बेटे के लिए। हाँ यार अम्मी वाकई में बहुत नरम दिल की और दूसरों का ख्याल करने वाली खातून है, वरना आजकल के दौर में गरीब लड़कियों को कौन पूछता है। बात तो पति की है तूने यार, चल इसी बात पे एक कप चाय का और साथ में कुछ खाने का भी मंगा दे। फिर उन दोनों को तो आने दे, फिर खा लेना कुछ। यार खाने का कौन बोल रहा है यार, हल्का फुल्का ही। अच्छा ये ले पैसे, ले आ कुछ खाने के लिए जा। ठीक है। उफ़ो, थक गए भाई,
हाँ अम्मी, मुझे भी थकन हो गई। अच्छा अम्मी, ये बताएं कि खाना का निदा नहीं बनाया था, बहुत मजेदार था। अम्मी, घर छोटा सही लेकिन कितना साफ सुथरा था। हाँ, लड़की तो सुघड़ है बेटा, और घर भी बड़ा सलीके से सजाया हुआ था। और देखा तुमने कैसे हमारे आगे पीछे घूम रहे थे? उन्हें पता है कि मैं उन पर एहसान कर रही हूँ। हाँ अम्मी, वैसे बड़ी आवभगत कर रहे थे हमारी, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ उठाए कहाँ बिठाए। बाबर, मैं शादी पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी, बस बरी के 11 जोड़े बनाऊंगी। 11 कम नहीं है अम्मी? अरे वो कौन सा लैंडलॉर्ड की बेटी है जो उस पर मैं इतना खर्चा करूँ? मैं तो सेट भी हल्का से चढ़ाऊंगी, उसने सारी जिंदगी में इतना कुछ नहीं देखा होगा। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। और वैसे भी बेटा, आजकल शादियां सादगी से ही होती हैं, और वो कौन सा हमारे घर में ट्रक भर के जहेज लेकर आएगी जो इतना पैसा जाया करूं मैं। लेकिन अम्मी, पता आपको रजिया फूफो क्या कह रही थी? कि तुम लोगों ने लड़की के घर जाने के लिए इतना सा मिठाई का डब्बा लिया, तो हमें शर्मिंदगी हो रही है, पूरा टोकरा जाता है तारीफ का। रहने दो अपनी फूफो की बातों को, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारे किसी काम के अंदर एतराज ना करे? अरे अभी तो तुम देखना शादी तक कितने ड्रामे करेंगी वो। खैर छोड़े अम्मी, रिश्तेदारों की तो आदत होती है हर काम में कीड़े निकालने की। जब आपने रिश्ता जोड़ लिया ना, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। और एक बात बताएं मुझे कि फूफो अपने बेटे की उस घर में शादी करती? करी ना, लेकिन तुम्हारी फूफो उस घर में शादी? बेटा, बातें करने में और अमल करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, शादी करेंगी ये। अरे वो हिना की माँ को देखा था तुमने? कैसे अच्छे कपड़े पहनकर आई हुई थी, बस ऐसे ही ये लोग। अरे छोड़ो, बिला वजह में बातें करती हैं, कोई इतनी कोई खास भी नींद लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में, मैंने तो नाश्ता कर लिया। हाँ अम्मी, वो आँख देर से खुली थी। असल में वो अम्मी दवा खाने की वजह से नाश्ता जल्दी कर लेती है ना, उसमें एक मैं कॉल ले लूं। आओ दुल्हन बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने भी नहीं किया अभी नाश्ता। इतना दौलतमंद है ये लोग, पता नहीं किस बात की कंजूसी है। जोड़ा तो देखो कैसा कम कीमत चढ़ाया है, और जेवर नाम को भी नहीं। बरी से अच्छा तो तुम्हारा जहेज है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पता नहीं कैसी बरी है, एक जोड़ा भी ढंगा नहीं है। पता नहीं किस बात की कंजूसी है, इकलौता बेटा है, लोग तो अपने बेटे की शादी में इतने अरमान निकालते हैं, पता नहीं किस तरह के लोग हैं। अरे बेटा, अब तुमने इनके साथ ही गुजारा करना है। आई एम सॉरी, वो मेरे दोस्तों का फोन था, वो कह रहे थे कि शादी के बाद भूल मत जाना। एक्चुअली जो मेरे दोस्त है ना, जान छिड़कते हैं मुझ पर। अब बेटा, निदा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये ना हो कि तुम सारा वक्त दोस्तों में उड़ा दो, इसे भी वक्त देना। अरे पप्पू नाश्ता करे, ठंडा हो रहा है। बेटा तुम्हारा जहेज बहुत अच्छा है, तुम्हारी माँ के तवक्का के बरक्स, लेकिन तुम्हारी बरी जो है ना, मुझे एक आंख भी नहीं भाई। अम्मी तो कह रही थी कि बहुत कम कीमत चीजें आई हैं जहेज में, ये सब अम्मी की टसल में करती हैं पप्पू। खैर मुझे क्या करना है इन सब बातों से, मुझे कौन सा शादी करने में दिलचस्पी थी। अरे पप्पू, हादी को ले आती ना, यहाँ रुक जाता मजा आता। हादी को तो मैंने कहा था बेटे, मगर उसकी नई नई जॉब लगी है ना, अब वो रुक भी नहीं सकता था, और शहर से आना जाना आसान भी नहीं है, मेरा भी बुढ़ापा है। अरे पप्पो, किसने कह दिया बूढ़ी है, अभी तो आप जवान है बिल्कुल। चल चल आती। यार तेरी शादी हो गई है और तूने हम लोगों को ट्रीट भी नहीं दी। हाँ यार, क्यों, तुम आए तो थे शादी पर। अबे अब तू अपने वलीमे का खाना खिला के जान छुड़ा लेगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। हाँ तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है ये। हाँ। लेकिन शानदार शादी की शानदार ट्रीट तो बनती है। बनती है भाई। हाँ। अच्छा अच्छा, आज तक मैंने तुम लोगों की कोई बात टाली है जो अब टालूंगा, इस वीकेंड पर ट्रीट पक्के। अरे बात क्या बात है।
निधा चाय कहाँ है? जी बस ला रही हूँ। अम्मी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास, जो थे वो तुम्हारी शादी में खर्च हो गए। हमें कुछ दे देना, मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। किस चीज की जरूरत है? अम्मी मेरे दोस्त मुझसे शादी की ट्रीट मांग रहे हैं। देखो बाबर बेटा, तुम्हें कितना समझाती हूँ कि दोस्तों के चक्कर से अब निकल आओ। अल्लाह ना करे कल को तुम पर बुरा वक्त आ गया तो कोई दोस्त नजर नहीं आएगा तुम्हारे पास। अम्मी प्लीज कुछ दे देना। पहली बात तो ये कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरा ये कि तुम अपनी बीवी से ले लो, उससे अच्छे खासे पैसे मिले सलामी में। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। निधा का पास जितने भी पैसे हैं वो सब मेरे ही हैं, पूरा हक है मेरा उन पर। नाश्ता तो कर लें। बेटा मैं नाश्ता कर चुकी, तुम लोग नाश्ता करो, तुम ही लोग देर से आते हो। निधा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो यार। कितने चाहिए? कितने चाहिए क्या मतलब, जो भी हैं सारे दे दो। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी कि कोई अहम जरूरत है क्या? अहम है या नहीं, जरूरत है या नहीं, तुम्हें इससे क्या? मैंने मांगे हैं तुम दे दो, तुम्हारा फर्ज है। जी लाती हूँ। ऐसी दावत खा के तो दिल चाहता है रोज इसकी शादी हो, रोज ऐसी दावत हो। अबे बस कर दे भाई, मैं एक शादी करके तंग आया हूँ, तुम मेरी बार बार शादी का सोच रहे हो। क्यों भाभी, टाइम ना देने पे लड़ती है क्या? अरे नहीं यार ऐसी कुछ बात नहीं, वो बेचारी खामोश रहने वाली लड़की है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। तो फिर किस बात की टेंशन है, चिल कर, जी ले अपनी लाइफ। अबे तो और क्या, क्या मेरी रूटीन में कोई फर्क आया शादी के बाद? नहीं। हाँ यार ये बात तो सच है, इसने अपनी दोस्ती का हक अदा किया, वरना हम समझ रहे थे शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार। ये तो है, तेरे जैसे दोस्त के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। हम जानते हैं तू नहीं बदलेगा, हमको ऐसी मोहब्बत करता रहेगा। मैं तुम जैसे मुखलिस दोस्तों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। ये आओ शादी करते हैं। चलो कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है, पता नहीं कब आएंगे, भूख भी लग रही है। अरे आप आ गए। हाँ तुम अभी तक जाग रही हो। हाँ मैं तो आपका इंतजार कर रही थी ना, आपने खाना नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया, अभी लेकर आती हूँ। नहीं यार मेरा इंतजार मत किया करो, तुम्हें कितनी बार गए खाना खा लिया करो यार। हाँ जी ठीक है, वो अम्मी कहकर सोई थी कि आपको याद दिला दूँ, कल उनकी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है तो आप ले जाइएगा। ओहो यार कल तो मुझे नुमान के साथ एक जगह जाना है उसके काम के लिए, मैं तुम ऐसा करो ना तुम खुद चले जाओ मेरे साथ कल। एक काम करो लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। जी बंद कर देती हूँ, मैं चली जाऊँगी, आप कुछ आदर उड़ाते थे फिर लाइट बंद कर देती। निधा एक गिलास पानी लेकर आना। जी लाई। निधा एक कप चाय बना दो भाई। जी बना रही हूँ। निधा निधा अरे कहाँ मर गई हो? जी आ रही हूँ।
कहाँ मर गई? जी आई। बहरी हो गई हो क्या? इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ। अम्मी वो बस काम में लगी हुई थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। काम में लगी हुई थी, तुम्हारे पास तो हर वक्त बहाने रहते हैं। मैं सुबह से कह रही हूँ मेरे सर में तेल डाल दो, खुश्की हो गई है मेरे सर में सर्दी की वजह से, मगर मैडम के पास टाइम ही नहीं है। अम्मी आप शायद भूल गई हैं, आप ही ने तो कहा था कि दोपहर का खाना बना लो फिर लगा देना। बस अब ज़्यादा बहस ना करो, तेल डाल दो सर में। और तुम कौन सा अनोखी हो जो घर में काम कर रही हो? हम भी तो अकेले ही घर का काम करते थे, बहानेबाजियाँ तो ख़त्म ही नहीं होती इस लड़की की। जी लगाती हूँ। जरा जोर से हाथ चला लो, जान नहीं है हाथों में क्या? लगा तो रही हूँ। बहाने बनाती रहती, सारा दिन काम कर रही हूँ काम कर रही हूँ। तेल तो डालो नहीं जा रहा सर में, तेल लगाकर कपड़े बिस्तरी कर देना, नहा लूंगी थोड़ी देर में। जी अम्मी। तुम्हें मैं चाह रहा था कि कोई अपना बिजनेस कर लो। कर लो बेटा, मैं कब से जान रही थी बिजनेस करो, काम में तवज्जो दो। मेरी बात चल रही है, बस दुआ करें कि अच्छा सिलसिला बन जाए। जरूर। वैसे तुमने आज खाना बहुत लजीज बनाया था। थैंक यू। मैं भी आपसे यही सवाल करने वाली थी कि अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है तो मैं कल आपको ऑफिस में यही देना शुरू कर दूं, इस तरह तो पैसों की भी बचत होगी ना। गुड आइडिया, बुरा नहीं है, कल से मैं ऐसे ही करूंगा। बुरी चाय बनाई है, चीनी डालना भूल गई थी क्या? अम्मी सही तो है चीनी, हाथ सही है चीनी। तुम्हें तो इसकी हर चीज अच्छी लगने लगी है, जाओ जाकर चीनी लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। इतना बुरा खाना बनाया था और तुम खाने की इतनी तारीफें कर रहे थे। खाने पर तो ऐसे तेल तैर रहा था जैसे पूरे हफ्ते का एक ही दिन डाल दिया। हमें तो आप उसे समझाया करें ना कैसे करना है उसे काम। अरे मेरी कहाँ सुनती है वो, मैं तो उसे कुछ भी बोलूं हर बात उसे बुरी लगती है, करती वही है जो उसकी अपनी मर्जी होती है, चुप भी नहीं कहेंगी। अच्छा अम्मी मैं उसे समझा दूंगा, ये बताएं कि आप दवाई वक्त पर लेती हैं ना? अरे बेटा मैं बीमार औरत, बहू के रहमो करम पर जब वो दवा देती है तो खा लेती हूँ। चीनी। निदा जी, तुम मम्मी को दवाई वक्त पर नहीं देती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं मैं तो मम्मी को। बेटा रहने दो, ये तो चाहती नहीं कि मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन मम्मी मैं आगे से बहस मत करो, आइंदा मम्मी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझी तुम? देखो तो क्या हालत हो गई उनकी, ख्याल रखा करो इनका। जी। और मम्मी प्लीज आप भी अपना ख्याल रखा। ठीक है बेटा। अब तुम क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर देखो रात में क्या खाने में बनाना। जी क्या हुआ निदा, तुम रो क्यों रही हो? क्या? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। बाबर कब होगा पैसों का इंतजाम हमें जमा करवाने? यार मैंने अपने दोस्तों को फोन किया है, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। अब दोबारा पूछें, अम्मी का बाईपास कैसे होगा वरना पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो? हाँ मैं फोन करता हूँ वकास। जल्दी करें। हेलो वकास, यार अम्मी को हार्ट अटैक हो गया, मुझे पैसों की बहुत अच्छा जरूरत है। क्या नहीं हो सकते? अच्छा ठीक है, मैं नमान को कॉल करता हूँ। हेलो
यार मुझे पैसों की बहुत जरूरत है यार, वो अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है यार, करते ना यार कहीं से कुछ अरेंज करते यार। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या? अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे फोन करने वाला था यार, पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई यार। यार तुझे पता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, तू ऐसा कर वकास और नुमान को फोन कर। मैंने अभी फोन किया है, नुमान के यहाँ जब से बेटा हुआ उसके खर्चे बढ़ गए हैं यार। डॉक्टर सॉरी, हम आपकी अम्मी को बचा नहीं सके। क्या डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे थे सर्जरी होगी उनकी। जी पर आप बहुत लेट हो गए, सॉरी। भाभी सवाल है बाबर, बाबर खुद को संभाले, भाभी खुद को संभाले। भाभी बस यार अल्लाह को यही मंजूर था। बहुत अच्छी थी आंटी। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे यार, हम जानते हैं तुम आंटी के बहुत क्लोज थे, हम तुम्हारे इस घर में बराबर के शरीक हैं। अगर बर्बाद पैसों का इंतजाम हो जाता तो शायद मैं बच जाती। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। यार ऐसा नहीं, तुम भी हमारे लिए इतनी ही हैं। बाबर संभाल खुद को, होनी को कौन टाल सकता है। बात सुने। हाँ बोलो। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, वही लाना है। देखो नीता, पहले अम्मी की पेंशन आती थी और मैं अकेला काम कर रहा हूँ, अखराजात को ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। और वैसे भी अम्मी कहती थी तुम बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ ऑफिस की वजह से। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रोमान के साथ शॉपिंग पर चला गया था मीटिंग छोड़कर, ऑफिस वालों ने इस बात को बहुत बड़ा इशू बना दिया। खैर छोड़ो, मैं रात का खाना बाहर खाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? ठीक है। अब वो मोबाइल क्या है मेरा? वो अम्मी की कॉल आई थी, मैं उनसे बात कर रही थी, यहीं रखा है, मैं लाती हूँ। चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं तुम्हारी, जहेज में लेनी थी क्या? जी मेरी अम्मी ने बनवा कर दी थी मुझे। अच्छी लग रही है, पहन के रखा तो। अल्लाह खुदा हाफिज। आज पहली बार बाबर ने मेरी तरफ तवज्जो से देखा है, अच्छा है। यार ये वकास कहाँ रह गया है? जब से शादी हुई है ना फोन तक नहीं उठाता हमारा। यार फोन करके तो उसने ही बुलाया था। और हाँ तू सही कह रहा है, शादी के बाद ये वाकई बहुत बदल गया है, घर बुलाने जाओ तो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देता है यार। हाँ यार, और सबसे ज्यादा बातें भी ये करता था, अब जन मुरीद बन के घर बैठा हुआ है। और वकास उसकी तो बात ही मत करो, जब भी उसे कॉल करो ना अपनी बीवी को कहीं लेके जाना होता है उसे। वैसे तूने एक बात नोट करी, नुमान और वकास के अंदर जब भी खाना खाने की बारी आती थी तो सबसे आगे होते थे, और पैसे देने की बारी आती थी तो पीछे हट जाते थे। तुम सही कह रहे हो, वैसे कितने चालाक थे, महसूस तक नहीं होने दिया। अरे हाँ, अच्छा वो तो नहीं आएगा, मैं निकलूँ। तू जा रहा है फिर क्या अभी? हाँ ना, चल सही तू भी निकल। ओके मिलते हैं फिर, आ जा। इतनी सादा चोटें लग गई इनको, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है इन्हें? भाभी रोड क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी तो उससे टकरा गया। घर से तो बिल्कुल ठीक निकले थे, वापस आए तो इतनी ज्यादा चोटें लगी भी।
पता नहीं कितने तकलीफ हो रही होगी। भाभी वो तो शुक्र है कि जान बच गई, टांग और हाथ पर ज्यादा चोटें नहीं आई, और वो तो भाभी कोरोना वायरस की वजह से उसको एडमिट नहीं किया क्योंकि इसकी हालत इस काबिल नहीं। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का बताया। बाबर आप फिक्र नहीं करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ भाई, आप कैसी तबीयत है? बस सही हूँ। तुझे तो पता है ना कि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए बोला था, लेकिन मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं है यार। फिक्र क्यों करता है यार, सब ठीक हो जाएगा। यार मेरी जॉब चली गई है, वो भी नुमान की वजह से। मैं एक जरूरी मीटिंग छोड़कर नुमान के साथ उसके काम के लिए चला गया था, तो कंपनी वालों ने मुझे फायर कर दिया। मेरा हाथ बहुत तंग हो गया है कमर। पता नहीं अस्पताल का बिल कहाँ से दूंगा। अरे कमाल, मुझे कुछ पैसे दे दो यार। तुझे पता है यार आजकल मेरे खुद के हालात बहुत तंग है, और अगर होते तो तुझे कहने की जरूरत पड़ती। अरे फौरन दे देता यार। बकास और नुमान तो मुझे देखने भी नहीं, जबकि तेरी भाभी ने कॉल भी की थी। अच्छे दिनों में मैंने अवकाश को कुछ रकम उधार दी थी, अब फोन कर रहा हूँ तो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया उसने। यार अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देख सूप बनाया है, सूप पी लें। नहीं नहीं दम, मेरा दिल नहीं चाहता। अरे भाभी आप लाए, मैं पिला दूँगा, आप परेशान ना। ठीक है, देख सब ठीक हो जाएगा, तो सूप तो पीना। नहीं कमाल, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। चल ठीक है, फिर मैं ही पी लेता। मुझे तो बनाओ यार। भाई ये तो हो गया खत्म, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दे। ओके थैंक यू, और ख्याल रखिए अपना। अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो दोस्तों के चक्कर में अपनी हीरे जैसी बीवी को वक्त ही नहीं दिया। आज मेरा कितना ख्याल कर रही है, मेरे सारे दोस्त मेरे बुरे वक्त में ऐसे गायब हुए। कमाल भी नुमान और वकास की तरह खुद गरज निकला। वकास और नुमान की तरह खर्च तो ये भी कभी नहीं करता था, बस बादशाह बादशाह कह के मुझे चढ़ाते रहते थे ये लोग। ये तीनों मतलबी और मौका परस्त थे। मैं पैसा लुटाता था तब मैं बहुत अच्छा इंसान था इन सब के लिए, आज मेरा हाथ तंग हुआ तो सब गायब हो गए एक एक करके। और मेरी बीवी जिसे मैंने कभी वक्त ही ना दिया, अहमियत ही ना दी, उसने मेरी खिदमत में दिन रात एक कर दिए। क्या बात है बाबर, क्या सोच रहे हैं? निदा वो कमाल नहीं आया, उसने आने का कहा था। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है ना उन्हें कोई जरूरी काम हो इसलिए ना आए हो। निदा मुझे लग रहा है कि कमर के चोट की वजह से मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? आप ऐसा ना सोचें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल का बिल, सारी चीजों का क्या होगा निदा? बाबर अल्लाह पर भरोसा रखें, जिसने हमें इस आजमाइश में डाला है ना वही हमें निकाल भी देगा। आप बस आराम करें।
या अल्लाह, मेरे शोहर आज बिल्कुल अकेले हो गए हैं। जिन दोस्तों पे वो अपना वक्त और पैसा लुटाते रहे, आज जब उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ी तो सब दोस्तों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। जिन दोस्तों की वजह से बाबर की आज जॉब तक दाव पर लग गई है। या अल्लाह, मेरे शोहर की आँखें खोल दे। या अल्लाह, बाबर को फिर से एक मौका दे दे। जिन दोस्तों की वजह से आज बाबर का इतना नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा कर दे या अल्लाह, और कोई ऐसा करिश्मा कर कि बाबर फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। और मुझे मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कि तू कोई करिश्मा ज़रूर करेगा। आमीन। रुक जाए, मैं खोलती हूँ, आ जा। मैं कर रही हूँ, बैठे। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हो गए। अब मैं ना कहती थी जो हमें आजमाइश में डालता है वही निकालता भी। देखें, ये बात किसी करिश्मे से तो कम है नहीं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप वापस अपनी जिंदगी की रूटीन में आ जाएंगे। तो सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा। मैं क्यों ना करती आपके लिए दुआ। आप तो मेरे शोहर हैं और ये मेरा फर्ज है। बाबर, मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगी। क्या बात है बाबर, क्या सोच रहे हैं? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल के बिल का क्या होगा। वो मैंने दे दिया है। कैसे? मेरी चूड़ियां थी ना, वो सेल कर दी थी, उससे जो पैसे मिले उससे दे दिया। क्या? लेकिन तुमने तो इतनी चाह से बनाई थी वो चूड़ियां, क्यों सेल की तुमने? आपका इलाज करवाना भी तो जरूरी था ना। और वैसे भी जेवर होता किस लिए? ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। और आप मुझसे वादा करें, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप मुझे ऐसी कई चूड़ियां बनवा कर देंगे। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। निदा, ये हादसा अगर मेरी जिंदगी में नहीं होता ना, तो मुझे अपने और पराए की पहचान ही नहीं होती। मैं तुम्हें और इस घर को टाइम ही नहीं दे पाता। और तुम उससे शिकवा तक नहीं करती। इस हादसे ने आंखें खोल दी है मेरी। मैं तुम्हारे और अपने घर की तरफ पलट आया हूं। सच बताऊं तो जिंदगी का असल मजा अब उठा रहा हूं, क्योंकि यह बात मुझे समझ में आ गई है कि फैमिली फैमिली होती है। और एक बात बताओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ट्रस्ट।